बिरयानी बिरयानी ये देखें, ये ले अम्मी। सॉरी मुझे अदील इस टाइम रेडी कर रहे हैं डिशेस। बहुत जबरदस्त जी। माँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर मुबारक आप। पूरी पूरी कापी होनी चाहिए, पूरी कापी, ये बात नहीं है। जी आ गया हमारा देसी बेकिंग ओवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे और ईद का भरपूर और खूबसूरत सा दिन अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी अब रेडी हो गए हैं और नमाज अदा कर ली थी, उसके बाद बच्चे वगैरह रेडी हुए हैं, अभी हम जा रहे हैं अम्मी अबू के पास और उनको ईद मुबारक कहते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को क्या ईदी मिलती है और क्या हम ईदी वसूल करते हैं और हम क्या देते हैं। तो चलते हैं जी ईद वाले घर। तो जी बस अब हम घर में एंटर हो गए हैं और अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ले जी दादा अबू को सबने घेर लिया है ईदी के लिए और अब दादा अबू जो है ना वो अपनी खुफिया जेबों में से पैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले जी ये साद आ गया जी ईदी के लिए, इसके बाद हिबा नूर आ गई है। छोटों को तो नहीं जी, आज इनका 1000 रुपया हो गया, महंगाई बहुत हो गई है। तो जी ये आ गई है जी हिदाया और इसके साथ ये आ गई। वाह भाई वाह वाह, जज़ाकअल्लाह। इसको वजन के हिसाब से आप दे रहे हैं कि ये जी ये देखें जी ये देखें। नहीं नहीं अबू जान ये तो कोई बात, पूरी पूरी कापी होनी चाहिए, पूरी कापी, ये बात नहीं है ना ना इतना नहीं, एक एक करके नहीं। वाह भाई वाह, जजा अम्मी पहले जजाकला बोलता तुसी हिरा मेरा हिस्सा। ओ ये देखें सारा ये जजाकला भी कहो ना सारे ले इधर। दोबारा घूम के आ जाओ पीछे और दोबारा लाइन लगा लो। जजाकला नहीं कहना। ये जी मेरी बारी आ गई। हाँ तेरा पासपोर्ट जरा ना रिटर्न। जी क्या चीज दे रही माँ जी, दिखाए सब छोटी छोटी। वाह भाई वाह, ये दिखाओ जरा क्या लेके आया दादा। तीनों इधर लेके आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह बहुत खूबसूरत। मेरे पास बहुत सारे पैसे भी जमा हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सांडा हक इतने रंग। खैर मुबारक आप। थैंक यू गो, थैंक यू दादा। यस ईदी के क्या करेगा। चलो जी ये लें जी, दो मिलने चाहिए। लाओ इसको मैं फाड़ के दो देता हूँ। नहीं दो बड़े और छोटे। फिर मैं तेरे दो निकाल लूँ तेरे वाले। चलो भाग भाग यार, तेरे पास तो पहले भी बहुत ज्यादा है। सबसे छोटा बच्चा आ गया। हाँ नहीं नहीं उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। सबसे पहले हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह तबारक ताला हम सबको खुशियों के साथ, सेहत के साथ और ईमान के साथ ऐसी
हजारों ईदें जो है वो देखना नसीब फरमाए। और सबसे अहम चीज वो ये है कि इस ईद पे अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दुआओं में भी याद रखें, बिलखसूस फलस्तीन और कश्मीर के भाइयों को और बहनों को उनको ज़रूर याद रखें, उन बच्चों को भी ज़रूर याद रखें और अपनी इमदाद और अतियात उनको जिस तरीके से भी हो सकता है उनको ज़रूर पहुंचाएं। इसके साथ हमने आज के दिन में हमारे घर में एक ग्रैंड दावत है और हमारी अपनी ही फैमिली उसमें इन्वाइटेड है, तो उसके लिए मैं और हिरा अभी किचन में जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम पूरा दिन जो आज किचन में बनाएंगे आपको दिखाएंगे और शाम को उनको प्रेजेंट करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसमें बहुत मज़े की चीज़ें भी बनने वाली हैं और मज़े की प्रेजेंटेशन भी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अभी हम मिलते हैं आपके साथ किचन में। A few moments later, तो जी चरगा बना रहे हैं। सबसे पहले चरगे को इसके अंदर हमने लीमू लगाना है, मैंने दो लीमू को इसके अंदर निचोड़ दिया है। साथ ही इसके अंदर मैं दो टेबलस्पून सफेद सिरका ऐड कर रही हूँ और दो टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हमने बेसिकली जो चिकन है इसकी ब्रेनिंग करनी है ताकि इसके अंदर से अच्छे से ये क्लीन हो जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं पानी में इसको डिप करके तकरीबन एक घंटा रखूँगी क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है और रात का डिनर रेडी करना है। इसलिए अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप इसको दो से तीन घंटे के लिए मस्ट इसके अंदर रखें इस पानी में डुबो के। तो जी जितनी देर तक चरगा जो है वो लेमन बाथ ले ले उतनी देर तक मैं दिखाता हूँ कि हम प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी कर रहे हैं। ले जी, तो यहाँ पे जी मोहम्मद दाऊद साहब हैं जो बॉक्सेस रेडी कर रहे हैं। तो आप अपने घर के अंदर वो चीज़ें जिनको हम बाहर फेंक देते हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए बॉक्स और इसी तरह वो पेपर जो हमने रात को गिफ्ट से ऊपर से उतारा था उसी के साथ हम पैकिंग करेंगे और ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बॉक्स बन जाएंगे जिनको हम रात को डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर डिशेस लगाएंगे, तो ये एक तरह के स्टैंड के तौर पर काम देंगे। तो जी यहाँ पर मैं नमकीन रोस्ट रेडी करने लगी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और ऑयल डाल लिया है एक प्रेशर कुकर में। उसके अंदर मैं एक टेबल स्पून भर कर लहसुन ऐड कर रही हूँ, हमने अच्छे से भून लेना है। साथ ही इसके अंदर मैं 7 से 8 काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने मटन ले लिया जिसको मैंने नमक और सिज़्ज़ोर पानी में डाल के रखा था, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हमने इसको अच्छे से भूनना है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऑप्शनल होती है इसके अंदर लेकिन मुझे पसंद है, मैं डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने मटन को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। ये देखिए इसका कलर भी गोल्डन हो गया और अब मैं इसको पानी डालकर इसको गलने के लिए रख दूंगी और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए लिड लगा के रख दूंगी पकने के लिए। तो जी अब हम चिकन स्पेगेटीज बनाने लगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिए जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं लाल कुटी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसको हमने 5 मिनट के लिए रख देना है एक साइड पर। और अब मैं स्पेगेटी बॉयल करने लगी, तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है डेचके के अंदर, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है और साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर स्पेगेटी डाल देनी है। यहाँ पे हिरा रेडी कर रही है स्पेगेटीज और उसके साथ साथ किचन में काम चल रहा है क्योंकि आज शाम को दावत है और हमें बहुत ज्यादा स्पीडली काम करना पड़ रहा है। तो जी स्पेगेटीज हमारी हो गई हैं बॉयल, 7 से 8 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए और अब हम इसको छान लेंगे। इसको मैं वॉश करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रखूंगी ताकि आपस में चिपके नहीं। अब हमने स्पेगेटी के चिकन को फ्राई करना है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। और अब हमने इस चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल जब गर्म होगा तभी हमने ये चिकन ऐड करना है, ठंडे ऑयल में ये नहीं ऐड करेंगे। और इसको मैं प्यारा सा कलर देने के लिए इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा
इससे इसका लुक बहुत प्यारी हो जाती है। अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है और अब मैंने इसको कवर करके रखने लगी हूँ 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ये अपने ही पानी में गलेगा। यहाँ पे गिरा मेहंदी वाले हाथों के साथ कटिंग कर रही है, कटिंग बोर्ड पर हाथों से कटिंग है। चिकन जो है हमारा माशाल्लाह बेहतरीन फ्राई हो गया और अच्छे से गल भी गया। और अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली थी जिसे लंबाई में काट दिया था, एक गाजर ली थी उसे भी लंबाई में काट दिया था, और थोड़ी सी बंद गोभी जिसको मैंने लंबाई में उनके स्लाइसिस कर लिए हैं। इसको भी हमने 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करेंगे फ्राई, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 टीस्पून नमक ऐड किया मैंने यहाँ पर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ये स्प्रिंकल कर रही हूँ लाल कुटी हुई मिर्चें। 1 टेबल स्पून स्वेट सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मामा सीता सॉस लिया, ये नाउ तो इसके बगैर भी बनाया जा सकता है, इससे टेस्ट बहुत मजे का आता है। और 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ। आपको अगर इसको स्पाइसी बनाना है तो आप इसके अंदर मजीद इन चीज़ों की क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ये बॉइल्ड स्पेगेटीज नूडल्स, और अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं 2 स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। सारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको रख दूंगी साइड पर क्योंकि इसकी हमने रात को सर्विंग करनी है। तो जी इसको भी 20 से 25 मिनट हो गए थे, गला लिया था मैंने, और इसको देख लेते हैं अच्छे से। माशाल्लाह ये हो गया, और इसके अंदर मैंने इतना जो है शोरबा रखा है और ये भी कंप्लीट है। बाकी गार्निशिंग वगैरह जो है ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज हम रात को इसके अंदर ऐड करेंगे, फिलहाल इसको भी मैं बंद करने लगी हूँ। तो जी यहाँ पर चढ़के को भी 1 घंटा हो गया, इसको मैंने पानी में रखा था, इसकी साइड्स को मैंने चेंज कर लिया था। वैसे इसको 3 से 4 घंटे लाजमी रखना होता है, और अब हमें इसको निकाल लेना है अलग टोकरी में। तो जी इसको भी हम ड्राई होने देंगे, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ऑयल ले लिया, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और यहाँ पर चरगा है वो भी हमारा ड्राई हो गया, और अब हमने एहतियात से इसके अंदर डाल देना। तो जी इसको हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है, और एहतियात से इसकी मैं साइड चेंज करूंगी। ये देखें एक साइड से बहुत ही जबरदस्त इसका कलर आ गया। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए, फ्राई हो जाए। ये माशाल्लाह हो गया चिकन हमारा दोनों साइड से, और अब हमने इसको एहतियात से निकाल लेना है। तो जी बहुत जबरदस्त किस्म का गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, लाइट गोल्डन सा कलर। और अब हमने नमाज की ब्रेक लेनी है, और इसको भी हमने नॉर्मल होने के लिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है। तो हम नमाज पढ़ के आते हैं और इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो जी चलते हैं अभी हम अपने चरगे को लेने के लिए। तो हमने यहाँ पे पंखा चलाया हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, और अब हम इसको लेकर चलते हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन भी रेडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हिबा जी यहाँ पे आराम फरमा रही है और अपने कार्टून देख रही है। यहाँ पे हिरा रेडी करने लगी है चरगे की मैरिनेशन। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 3 टेबल स्पून दही। दही मैंने गाढ़ी ली है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, हीरा कोई चीज भूल ना जाए, 1 टीस्पून गरम मसाला। भूल गए तो खैर है, कोई मसला। हमने ये देखे सारे पटारे जो खोले हुए हैं ना, असल में पहले हमारी वो आप देखते हैं कि सारी प्यारी प्यारी सी वो उसमें कटोरियों के अंदर जो है ना वो हमने मसाले डाले होते हैं। और आज चूंकि आपको पता है कि अभी टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, तो हम जो भी चीज है बस वो डालते जा रहे हैं। हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। 1 से 2 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ।
अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है जी। अब हमने इसको मैरिनेट करना है जी। हमने सारा ये अच्छे से इसके अंदर मसाला लगा देना है। अच्छे से हमने इसके कट्स के अंदर भी इसको लगाना है। तो देखिए मैंने ऊपर नीचे से सारा अच्छे से इसको मसाला लगा दिया और मैं इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखूंगी। मैं इसके साथ साथ जो है वो कटलरी भी जो है वो अरेंज हो रही है ताकि अभी टेबल के ऊपर वो भी लगाना है। तो जी गोल्डन कलर जो है ना वो हीरा को बहुत पसंद है। तो जी अब मैं पफ पेस्ट्री ट्विस्टर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने डॉन की पफ पेस्ट्री ले ली है और इसको मैंने सीके से अरेंज कर लिया है। और अब हमें सबसे पहले यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ मैं इनके ऊपर। इस सारे को हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करूँगी सारा इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चेडर दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो जी मैंने चीज़ सभी पे लगा दी है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। सब्ज़ धनिया की जगह आप पार्सले भी ले सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी ओरिगैनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो जी मैंने इनके ऊपर भी पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है और अब हमने इनके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इसको हमने प्रेस कर लेना है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले लिया, उसको हमने हल्का सा प्रेस करना है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा प्रेस किया है और हमने इसको निकाल लेना है और हमने इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। वाओ, तो जी ये हमारा ट्विस्टर रेडी हो गया है और इसी तरीके से मैं बाकी के भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने प्री हीट के लिए ओवन को लगा दिया है 180 डिग्री के ऊपर और मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए लगा दिया है। तो जी यहाँ पर ये सभी ट्विस्टर रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली थी जिसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर भी मैंने अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब हमने एक एक करके इसके अंदर अपने ट्विस्टर को अरेंज कर लेना है। और यहाँ पर मैंने एग ले लिया और मैं इसके ऊपर एग वॉश लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं इन सभी पर लगा दूंगी। तो जी ये एग वॉश भी इस पे लग चुका है और ये अब मैं इसको बेकिंग ओवन में रखने लगा 20 मिनट के लिए। इसको मैंने 20 मिनट के लिए रखना है। बिस्मिल्लाह, हीट हो गई है, प्री हीट हो चुका है और इसको अब हम 20 मिनट के लिए रखेंगे। और इसको हमने प्री हीट कर लिया था ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारे चरगे को 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए और हमारे पास इस टाइम टाइम शॉर्ट है क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं और हमने इसको भी रेडी करना है। तो मैंने हीरा को कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको फॉइल पेपर में डालो और इसको स्टीम के लिए रख लो। और ये जो इसका बचा हुआ मसाला ये भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे, इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं। तो जी यहाँ पे हमने फॉइल पेपर के अंदर थोड़े थोड़े से ना सुराख कर लिए ताकि जिस टाइम भी आपका जब ये स्टीम होता है तो पानी जो निकलता है वो नीचे जाता रहे बजाय कि वो चिकन को डिस्टर्ब करे। इसको फॉइल में बांधने से फ़ायदा ही होता है कि जब हम इसको निकालते हैं तो ये टूटता नहीं है और एज इट इज ही निकल आता है। जी आ गया हमारा देसी बेकिंग ओवन और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैंने पानी का लेवल यहाँ पे रखा है। अब आप ये देखें कि ये मैंने स्टीमर का स्टैंड रखा है और ये स्टीमर के स्टैंड से पानी कम से कम भी 2 से 3 इंच जो है वो नीचे है और यहाँ पे ताकि पानी अगर बिल्कुल साफ होगा तो वो फिर स्टीम नहीं होगा सही तरीके से बल्कि वो चिकन को डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने इसके साथ ही उसके ऊपर जो है वो रख दिया है। इसको अब हम लिड लगाएंगे। अब मैं इसको चूल्हे पे रखने लगी हूँ। स्टार्टिंग में मैं इसका फ्लेम 4 से 5 मिनट के लिए हाई रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूँगी और इसको फिर मैं 20 मिनट के लिए स्टीम करूँगी, मतलब टोटल टाइमिंग इसका 25 मिनट्स है। जी साथ साथ हमने यहाँ पे अब फ्राई का काम भी शुरू कर दिया है क्योंकि गेस्ट पहुँचने वाले हैं और हमारी कोशिश है कि सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ रेडी हो जाएँ ताकि खाने में उनको वेट ना करना पड़े। और अब सलाद रेडी हो रहा है जी और ये हमने सलाद को
जल्दी जल्दी हीरा ने सारी चीजों को मिक्सअप कर दिया। थोड़ा सा नमक सिरका ऐड करके हमने इसको मिक्स कर देना है। तो जी यहाँ पे कोरमा भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह, और नगेट्स जो हैं वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से ब्राउन हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे फ्रूट सैलेड रेडी हो रहा है और हीरा की स्पीड लगी हुई है, वो कहते हैं ना सवारी होवे ना होवे स्पीड 190, सवारी लबे ना लबे स्पीड 190। हाँ स्पीड 190 है हीरा, तुझे तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तो जी हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। तो जी यहाँ पर चार एप्पल लिए थे और चार से पांच ही बनाना लिए जिन्होंने काट लिए, और यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब बॉइल्ड चने ऐड कर रही हूँ, और साथ में यहाँ पर मैंने कुछ स्पेगेटीज बचा लिए थे जो मैंने अभी बनाए हैं, उनमें से ये नूडल्स ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं लेकिन इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पर मैंने कॉकटेल लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्रेश क्रीम ले ली है टेट्रा पैक, तकरीबन ये हाफ कप किसी मैं इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कॉकटेल का इसके अंदर सिरप ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी ये इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। 1/4 टीस्पून के की मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी मैं इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं होगी अच्छे से, और इसकी मिक्सिंग ही सबसे मेन होती है, और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये मिक्स हो गया है, और अब मैं इसको मेन बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ ये बचा लिए थे इसे मैं इनको गार्निश करूँगी। आप इसके ऊपर नट्स भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट जो भी आप ऐड करना चाहें, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो जी अदील इस टाइम रेडी कर रहे हैं डिशेस केचप की तरह। यहाँ पर मैं रेशा बॉल्स फ्राई कर रही हूँ, और ये गया ऐसे। ये हीरा क्या बन रहा है? रेशा बॉल्स। रेशा बॉल। तो जी यहाँ पे शाही रोल जो है ना वो भी फ्राई हो रहे हैं। ठीक है इतना। तो जी यहाँ पे सीख कबाब स्टिक्स जो हैं वो हमने रेडी करने शुरू किए हैं। दो तीन मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। जी अदील इस टाइम डेकोरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो गुलाब जामुन है वो भी खाली ना रहे। तो जी इसको भी 25 मिनट हो गए हैं, और ये देखें इसको डिश आउट करते हैं। जबरदस्त किस्म का जी स्टीम रोस्ट रेडी है। तो चलें जी इसकी अब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, चीजों को हम अभी लेके आए पहले। अंदर से रायता सलाद, रायता Thank you.
आ जाए। ये मेरे लिए है। हाँ जी, ये गिफ्ट भी साथ है। केचप्स वगैरह रखी है। ये ले जी, प्लेटें ले। बिरयानी ये देखें। सॉरी, चमचे उसके कहाँ हैं? अरे बहुत जबरदस्त जी। माँ जी, ये रोश है, ये वही है चीज़ बाल जो आपने खाया। एक वो चीज़ है, चीज़ वो ये भी बॉल है, सीख कबाब। चलो भाई चलो। जी अब लास्ट में मीठा सर्व हो रहा है, तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।